बिहार में सुशासन के तमाम दावे ध्वस्त हो गए हैं। बेखौफ अपराधियों ने कटिहार के मेयर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना उस वक्त घटी जब शिवराज पासवान अपने घर वापस लौट रहे थे और वहीं पर अपराधियों ने उन्हें तीन गोली मारी, जिसके बाद वो घटना स्थल पर ही गिर पड़े। हालांकि इसके बाद उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। शिवराज पासवान की हत्या उस वक्त की गई जब बीती रात वो अपने घर वापस लौट रहे थे। कटिहार टाउन थाना इलाके के संतोषी मंदिर चौक के पास अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। कटिहार के वर्तमान मेयर शिवराज पासवान के सीने में तीन गोली लगी और वैसे ही वो मौके पर गिर गए। दिन का काम निपटाने के बाद मेयर शिवराज पासवान अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान संतोषी चौक रेलवे गेट के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अपराधी चार की संख्या में बताए जा रहे हैं। शिवराज पासवान के सीने में गोली मारी गई। गोली लगते ही वो मौके पर ही गिर गए। उनकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई। इसके बाद अपराधी रेलवे ट्रैक की तरफ से फरार हो गए। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों और परिजनों ने शिवराज पासवान को कटिहार मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया। डॉक्टरों ने शुरुआती जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए रात में ही छापेमारी शुरू कर दी। शिवराज पासवान की हत्या के बाद उनके समर्थकों में भारी आक्रोश है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरा के फुटेज की जांच शुरू कर दी है। भारी तादाद में मेयर के समर्थक रात के वक्त नगर थाना पहुंचे और उन्होंने शव के साथ से प्रदर्शन किया। कटिहार में शिवराज पासवान की हत्या के बाद तनाव की स्थिति है। प्रशासन इसको लेकर अलर्ट में है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना मालूम पड़ा है कि शिवराज जी जमीन की खरीद बिक्री का भी काम करते थे। इस एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। तो आपको हम बता दें कि मेयर शिवराज पासवान अपने घर वापस लौट रहे थे कि तभी गुरुवार की अपराधियों ने तीन गोली सीने में मार दी, जिसके बाद घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। हालांकि अपराधी का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। जो भी अपडेट्स आगे आएगा फर्स्ट बिहार सबसे पहले उसको आप तक लेके आएगा। फिलहाल इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।